न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर सोनभद्र से। वैसे तो आम जनमानस की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन लगता है कि मौजूदा सरकार में प्रशासन बेलगाम हो गया है। एक ताजा मामले को देखें तो एक पेट्रोल पंप से हजारों लीटर डीजल प्राइवेट टैंकर में भर के पड़ोसी राज्य बिहार में भेजे जाने की सूचना पर संकलन करने के दौरान एक युवा पत्रकार की बाइक की चाबी पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा जबरदस्ती छीन ली जाती है और इसी दौरान मैनेजर के द्वारा संवाददाताओं को फोन से धमकी भी दी जाती है, जिसकी सूचना संवाददाता द्वारा इंस्पेक्टर समेत जिले के उच्च अधिकारी को दी गई। मगर आपको जानकर यह बेहद हैरानी होगी कि संबंधित चौकी क्षेत्र के दारोगा द्वारा संबंधित मामले में वीडियो साक्ष्य रहने के बावजूद भी मामले को रफा दफा करते हुए अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट में लिख दिया कि पेट्रोल पंप पर प्राइवेट टैंकर में डीजल भरा जा रहा था, जिसका वीडियो पत्रकार के द्वारा बनाया जा रहा था, जिस दौरान पंप कर्मियों से कहा सुनी हो गई और पत्रकार अपनी बाइक छोड़कर चले गए, जिस पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए पत्रकार ने वीडियो सबूत प्रस्तुत करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों को आईना दिखाया है। दूसरा मामला सोशल मीडिया के एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो सोनभद्र से सटे हुए जिला मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के हलिया बाजार का बताया जा रहा है, जहां शिकायतकर्ता एक व्यक्ति जो मुंबई में काम करता था छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। उसका कहना है कि वो घर से बाहर घूमने के लिए निकला था, घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर उसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। वो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर गया हुआ था, पेट्रोल भरा रहे युवक को पुलिस द्वारा जबरन उठा लिया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा कहा गया कि दारोगा जी ने थाने बुलाया है। व्यक्ति ने बताया कि थाने पर ले जाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए युवक से 40,000 रुपए ऐट ले गए, जिसमें 18,000 नगद और खाते में 22,000 रुपए किसी अपने सहयोगी के खाते में जबरन करवाए गए। के गांव के 15 किलोमीटर बगल में पिपरा एक मार्केट है, वहां मैं घूमने गया था तो मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गई, तो हम पेट्रोल पंप पे गए तेल भराने के। सिपाही मनोज यादव आए तो बोले आपका नाम क्या, मैंने बोला मेरा नाम नीरज जायसवाल, बोले चलिए तुमको दरोगा जी बुलाए हैं। तो हम बोले किस बात के लिए दरोगा जी बुलाए, बोले चलिए थाने पे बताया जाएगा। मेरे गाड़ी का चाबी और मेरा मोबाइल ले लिए, हम तो खाने ले जाकर 4 बजे बैठा है, 9 बजे रात को बोल रहे हैं तुमको जेल जाना पड़ेगा, तुमको गांजा में भेजेंगे जेल। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत 1 जून को होने वाले चुनाव के मद्देनजर बलिया लोकसभा क्षेत्र के महमदाबाद विधानसभा के अंतर्गत स्थानीय कोतवाली के तहत महादेवा स्थित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, ये लोग जनता पर जजिया कर लगाना चाहते हैं, सरिया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी है बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बदलने नहीं देंगे। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला थाना कविनगर क्षेत्र के राजनगर इलाके का। दिनदहाड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यक्ति से लगभग 9,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई। ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मयंक राजपूत ने सूचना दी कि वह राजनगर स्कूटी से जा रहा था, रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने रोका और बलपूर्वक उनका बैग लिया और फरार हो गए। थाना क्षेत्र कविनगर में आज दिनांक 27 मई को कुछ देर पूर्व अभी एक व्यक्ति मयंक राजपूत के द्वारा यह सूचना दी गई कि जब वो RDC में स्कूटी से जा रहे थे उस समय दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा उनके स्कूटी में रखा हुआ बैग बलपूर्वक छीन लिया गया। उस बैग में लगभग 9.5 लाख रुपया होना बताया जा रहा है। उक्त घटना के संदर्भ में इनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण के करीब नीमच भानपुर रोड के रावलकुंडी गांव में तेंदुआ दिखाई दिया। लोगों ने तेंदुआ देख शोर मचाना शुरू कर दिया। तेंदुआ घबराकर भागते हुए एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। लोगों की भीड़ ने व्यक्ति की जान बचा ली, तेंदुआ भाग गया। वहीं तेंदुए को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तेंदुए को पकड़कर अभ्यारण में छोड़ा गया है। कल की है, कल दोपहर की लगभग अभ्यारण गांधी सागर में सड़क के किनारे एक तेंदुआ आ गया था। उसी दौरान क्या हुआ, दो मोटरसाइकिल में निकल रहे थे, मोटरसाइकिल से सवार शिवराज पिता नाथूलाल निवासी प्रेमपुरिया के हैं, निहाल चंद शिवराज पिता निहाल चंद निकल रहे थे। इनके ऊपर हमला किया उसने, क्योंकि गर्मी का समय है तो जानवर भी थोड़ा सा घबराया हुआ था और आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी है तो ग्रामीणों ने देख के थोड़ा सा हल्ला कर दिया। एटा जिले के अलीगंज कस्बे में सीमेंट कारोबारी के घर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 3 मंजिला इमारत से आग के लपटे निकलता देख मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल सूचना अलीगंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी द्वारा पीएम मोदी के विजय के लिए ब्राह्मण और काशी के लोगों के साथ बैठकर हवन पूजन किया गया। देवताओं को प्रसन्न किया गया ताकि प्रधानमंत्री के विजय में कोई भी रुकावट ना आए। बता दें कि वहीं मंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी, जिन्होंने कुछ दिन पहले पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वार्ता करने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया था। अब वो लगातार घूमकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार कर रही हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजय के लिए महायज्ञ किया है और वो भी महामंडलेश्वर ने किया है। स्वयं मोदी जी 400 पार के लिए हमने देवताओं को प्रसन्न किया कि देवताओं का भी हाथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पे रहे और बीजेपी सरकार के सर पे रहे और 400 पार इस अब की बार 400 पार पूर्ण होगा। धर्म की नगरी काशी के अस्सी स्थित मछली बंदर मठ में सोमवार को इंडी गठबंधन प्रत्याशी की जीत के लिए पूजन अर्चन किया गया। सपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश यादव के नेतृत्व में मौजूदा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधि विधान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव के लिए भगवान शिव से जीत की कामना की। ब्रजेश यादव ने कहा कि मैंने अपने पुरखे पुरानियों से सुना है, जो भी बाबा विश्वनाथ के दरबार या उनकी नगरी में आकर कामना करता है वो पूर्ण करते हैं। इसी को देखते हुए ये कार्यक्रम किया गया। इंडिया गठबंधन की जीत के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक कार्यक्रम हो रहा है एकादश ब्राह्मणों के द्वारा। यह कार्यक्रम अभी और लगातार चलता रहेगा। भगवान की कृपा से यह विजयी हों इंडिया गठबंधन के लोग, यही कामना के उद्देश्य से यह अनुष्ठान चल रहा है। और यह रुद्राभिषेक हुआ है, रुद्री का पाठ हो रहा है, वेद मंत्रों का अष्टाध्यायी का पाठ हो रहा है और भगवान की जय जयकार उसमें गुणगान है। और गाजीपुर से जहां अखिलेश यादव का बयान पंडपुरा भरा हुआ है। गाजीपुर का उत्सव बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। दिल्ली से आने वाले लोग भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से थर्रा गए हैं। पूर्वांचल की हवा पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। पश्चिम से जो हवा चली थी वो गाजीपुर आते आते किस ऊंचाई पर पहुंचेगी, जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। पहले चरण में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया था, आज गाजीपुर में आकर वो सातवें आसमान में दिखाई दे रहा है। जब गाजीपुर की जनता अफजल अंसारी जी को भेज देगी और सनातन पांडे जी को भेज देगी, डराने वाली बातें हैं। ये डरा करके राजनीति करते हैं, अन्याय करके राजनीति करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग दूसरों को जेल में जाने की बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मित्र मंडली एक एक करके पहले विदेश भेज दिया। क्या सपा जो आ जाएगी सरकार में मित्र मंडली को भेज दिया है। तो इस बार 4 जून को एक नई फिल्म रिलीज होगी, एक थी भारतीय जनता पार्टी। और ओम प्रकाश राजभर, दानिश आजाद, सांसद प्रवीण निषाद ने एक साथ भरी हुंकार। निचलौल के बैठवलिया में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, कहा हम 46 साल से घूम रहे हैं, ये आज निकले हैं और इनको गर्मी लग रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए ओम प्रकाश राजभर ने गाना गाया। बोले 4 जून को जब रिजल्ट आएगा अखिलेश और राहुल को ये गाना याद आएगा। कहा कि अखिलेश और मायावती के राज में राशन चूहे खाते थे और अब गरीब खाते हैं। इस दौरान उन्होंने सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिए मंत्रियों से जनसमर्थन मांगा। विजन तो है नहीं, हम बिजली का बिल समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को आवास देने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लड़ रहे हैं, हम 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लड़ रहे हैं। आई लोग झूठ बोलते हैं, जो राहुल जी और ये अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोलने की मशीन है ये सब। एक तरफ मायावती कह रही है कि ये जो राशन बट रहा है, ये राशन क्या ये अपने घर से दे रहे हैं, ये तो किसानों का राशन है। जब सरकार चुनावी व्यवस्था का फायदा उठाकर अवैध खनन करने वालों पर डीएम की कार्रवाई, 5 ट्रक लोडर सीज किए गए। ओवरलोडिंग करने वाले 6 ट्रकों पर वसूला गया जुर्माना। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों को भी चेतावनी दी गई। विकास कार्यों में बाधा डालने और जिले की छवि खराब करने वाले खनन माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम बोले अवैध खनन करने वाले सुधर जाए वरना लगेगा गैंगस्टर और सलाखों के पीछे होंगे। 2 ट्रकों से वसूला गया 1.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना। सारणपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाबा पान भंडार पर छापेमारी कर एक्सपायरी डेट के पेय पदार्थ बरामद किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानों पर एक्सपायरी डेट के पेय पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जिससे लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सूचना पर विभाग द्वारा छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में पेय पदार्थ बरामद हुए, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जालौन में अधेड़ 7 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश करता हुआ नजर आया। आरोपी ने बच्चे को घर बुलाकर पैसों का लालच देकर अश्लील हरकतें की, कुकर्म की कोशिश की। पीड़ित मासूम ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से आरोपी की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जालौन कोतवाली क्षेत्र का ही पूरा मामला जी। कल 26/5/2024 को ग्राम
खानापुर कॉलोनी दौरान में एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना की सूचना खानापुर कॉलोनी दौरान को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर कोतवाली जालौन पुलिस और क्षेत्राधिकारी जालौन मैं स्वयं द्वारा घटने का निरीक्षण किया गया है। तहरीर मिली है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है, संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी इस पर की जाएगी और आपके साथ सूचना रहेगी। ठीक है सर। जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं, घर के बाहर खड़े वाहन सुरक्षित नहीं हैं। बाइक चोर घर के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बना रहे हैं। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिले में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाएं, बाइक चोर को सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तलाश रही है। नौगावां सादा क्षेत्र के नई बस्ती का एक पूरा मामला। आजकल शरीफ लोगों को अपने झांसे में लेकर अपने ही गैंग की लड़की के साथ अश्लील फोटो खिंचवाकर उस व्यक्ति को डरा धमकाकर मोटी रकम की ठगी करते थे। इस तरह की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। लोगों का अपहरण कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पैसे वालों का अपहरण कर युवतियों के साथ खींच लेते थे अश्लील फोटो। चाकू तमंचे के दम पर डराकर खींचे जाते थे अश्लील फोटो, जिसके बाद की जाती थी मोटे पैसे की मांग। गिरोह में 2 महिलाएं 4 पुरुष शामिल थे। पुलिस ने गैंग की एक युवती और पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। सर, माजोला पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या मामला? ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और उनको किसी प्रकार से फंसा के उनके अश्लील वीडियो बना के उनको ब्लैकमेलिंग करने वाला एक गैंग माजोला पुलिस ने अभी पकड़ा है। इसके संबंध में एक अभियोग थाना माजोला पे 24 मई को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक इस्लाम नाम के व्यक्ति को, जो कि थोड़ा झाड़फूंक जैसा कोई काम करता था, उसको ये कह के 2 व्यक्ति ले गए कि उनके घर में कोई एक मेंबर है जिसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है किसी प्रकार से, और उसके जाके वो झाड़फूंक कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। इस बात से वो इस्लाम नाम का व्यक्ति उन दोनों के साथ चला गया और उसको एक घर में ले जाकर एक महिला के साथ में, उस महिला ने अश्लील फोटोग्राफी कराई अपनी और उसके बाद उन फोटो वीडियो के सहारे उससे ब्लैकमेलिंग के लिए डिमांड की गई। खेतों से पैदल लौट रहे किसान को बाइक सवार ने मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से 50 साल के किसान शिव नारायण की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुरुष ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कासगंज जिले की कोतवाली गंज जवारा क्षेत्र के नवादा गाँव का ही पूरा मामला है। पानी लगा के बाइक वाला घर से आ रहा था, गंडवा रही थी, तो मतलब यू है हमारे पिताजी घर जा रहे थे तो उसने पीछे से टक्कर मार दी थी। क्या नाम है इनका? शिव नारायण नाम था, गांव नवादा। कहाँ चोट लगी है? सर में है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, सर फटा है, 2 जगह आँख फूट गई है। तो यहाँ क्या करने आए आप? हम यहाँ हॉस्पिटल में आए। बस्ती में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने जिलाधिकारी को पत्र देकर मांग की है कि अवैध बालू खनन पर रोक लगाकर परमिट निरस्त किया जाए। पत्र में सपा विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि बस्ती सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम माझा कला में 6 महीने के लिए बालू खनन के लिए परमिट किया गया है। अवैध स्थानों पर बालू का खनन कराए जाने से माझा कला, गंगापुर, मईपुर का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। खनन अधिकारी द्वारा प्रशासन को गुमराह कर बालू का खनन परमिट दिया गया है। अगर तत्काल प्रभाव से अवैध बालू खनन न रोका गया, कई गांवों के कई हजार बीघा कृषि योग्य जमीन सरयू नदी में समा जाएगी। पहले भी उनको लेटर दिए थे लेकिन अभी इसी चुनाव के बीच में 10 दिन से खनन चालू हो गया, जो अवैध खनन हो रहा है। खनन अधिकारी ने माझा कला में प्रशासन को गुमराह करके 6 महीने का पट्टा करा दिया है। जहाँ पट्टा हुआ है उसका सीमांकन होने पर वो नदी उस पार नंबर है। एक तो गलत जगह खनन हो रहा है, दूसरे उस खनन होने से, अवैध खनन होने से कई गांव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मईपुर के तीनों पूर्वे, गंगापुर, माझा कला और महुआ पार, ये सब गांव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, ये सब गांव कट जाएंगे। फतेहपुर जिले के सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर परिसर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला अध्यक्षा रंजना सिंह की अगुवाई में संगठन की महिलाओं ने 9 तप्ता की तपती दोपहर की चिल्लाती धूप और उमस भरी गर्मी में रोड में निकलकर आम जनमानस राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए शीतल और ठंडा शरबत पिलाकर लोगों की आत्मा को ठंडक पहुंचाई। वहीं शराब शरबत पीने के बाद लोगों ने राहत की सांस लेते हुए सराहनीय कार्य की तारीफ की। वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला जिलाध्यक्ष रंजना सिंह ने बताया कि हमारा धर्म कहता है कि इस उम्र भरी गर्मी, वैसे जेठ के महीनों में अगर लोगों की प्यास बुझाई जाए तो आत्मा को शांति मिलती है और एक समाज सेवा का कार्य भी होता है, जिससे किसी भी प्यासे व्यक्ति को अगर हम पानी पिलाते हैं तो उसकी आत्मा के साथ खुद को भी बहुत सुकून मिलता है। गर्मी को देखते हुए, क्योंकि जेठ का महीना है, हमारा धर्म कहता है कि जेठ और इसमें वैशाख और अषाढ़ मास में, यानी मई जून में शरबत वितरण किया जाए तो ये लोक सेवा
है और लोगों के आत्मा को तृप्ति भी प्राप्त होती है समाज से कि हमारा हिंदू धर्म कहता है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। और समाज सेवा का कार्य, समाज सेवा किस संगठन का ये कार्य है? ये अखिल भारतीय व्यापार मंडल उद्योग है हमारा। लखनऊ में गर्म मौसम में ही नहीं लोगों के दिमाग में भी दिख रही है भीषण गर्मी में सड़क पर हाथ में पिस्तौल लिए दिखा रसूखदार। रसूखदार का चढ़ा पारा, युवक पर गुस्सा उतारा। सड़क पर रसूखदार ने युवक पर सरेआम तान दी पिस्तौल। युवक को सड़क पर पिस्टल से पीटने का मामला, आरोपी शख्स विनोद मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी है नेशनल शूटर, मानसिक नेशनल गेम्स में भी शामिल हो चुका है। लाइसेंस पिस्तौल को पुलिस ने कब्जे में लिया। मुरादाबाद के बिलारी नगर और क्षेत्र के लोग बढ़ती गर्मी से बेहाल हैं। लगातार बिजली विभाग की ओर से की जा रही ट्रिपिंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गर्मी का पारा बढ़ती बिजली विभाग की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही। बिजली घर में लगे ट्रांसफार्मर इस कदर गर्म हो चुके हैं कि उन पर बिजली विभाग के कर्मचारी पानी डालकर ठंडा करते नजर आ रहे हैं। एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने दे सकते ट्रांसफार्मरों की, इस वजह से इसको पानी डाल करके इसके फिंस पे ठंडा किया जा रहा है। उसके लिए आदेश ऊपर से ही मिले थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ठंडा रखने में कामयाब रहेंगे उतना ही आसानी से बिजली लगातार चलती रहेगी। कितने टेम्परेचर तक आप बिजली ऐसे आउट दे सकते हैं? नहीं, हम 65-70 से ऊपर नहीं होने देते हैं उसको। ये है फिलहाल इस समय कितना टेम्परेचर होगा इनका? हमें पानी उन्हें डाल करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस से कम किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।